हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं अमर सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। इस चैनल पे मैं एजुकेशनल टॉपिक लाता हूं, कुछ फैक्ट का डिस्कशन भी करता हूं और कभी कभी मोटिवेशनल स्पीच भी लेकर आता हूं आप बच्चों के लिए। आप बच्चे जीवन में कभी निराश ना हो, आपको एक सही राह दिखा सकूँ, यही मेरे इस चैनल का मोटो है। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया है, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम। तो बात करते हैं सबसे पहले हिंदी मीडियम की। हमारे देश में 50-60% पब्लिक, जनता हिंदी मीडियम से ही अपनी पढ़ाई करती है। मैंने भी अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही किया है। हिंदी मीडियम यानी हिंदी जो हमारी भाषा है, वो हमारी मातृभाषा है और हमें इस भाषा की इज्जत करनी चाहिए और इस भाषा में हमें पढ़ाई करना चाहिए और इस भाषा से पढ़ाई करके हमें किसी भी तरह का शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। पर बच्चों, ये सब किताबी बातें हैं। आज मैं आपको फैक्ट बताऊंगा और सारी जानकारी दूंगा। तो ये सब जानने के लिए कि इस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से आपके लाइफ में क्या फ़र्क पड़ सकता है, एक लैंग्वेज आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, ये सारे डिस्कशन आज हम करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आखिरी में मैं ऐसे कई टिप्स दूंगा जो शायद आपकी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ले आए, शायद आपका जीवन बदल जाए। तो आप जुड़े रहें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और आपको पसंद आता है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल ज़रूर दबा दें। एक घंटे का आइकन है, उसे दबा दें कि जब भी मैं आपके लिए कोई नए टॉपिक लेके आता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे परिवार का सदस्य बने, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। देश की आधी जनता हिंदी मीडियम से पढ़ाई करती है क्योंकि हमारा देश एक ग्रोथ करता हुआ देश है। हमारे देश में अभी भी बेसिक एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कई लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं और सरकारी स्कूल में हमें हिंदी मीडियम से पढ़ना होता है। मैंने भी अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है और आज मैं ऐसा समय आ गया है कि आज मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं पढ़ा पाता हूँ। इसके पीछे मेरी कुछ मजबूरियाँ भी हैं। तो बच्चों, हिंदी मीडियम जो है भाषा, उसकी इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो। लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पर मैं आपसे कहूँगा कि हिंदी मीडियम से कभी भी पढ़ाई मत करना। और किसी भी कारण से, किसी मजबूरी से, अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की भी है तो क्लास टेंथ के बाद अपने मीडियम को चेंज कर देना। हाँ, हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जिसको आपने सालों तक जिस लैंग्वेज को पढ़ा, उसको छोड़कर तुरंत इंग्लिश मीडियम की ओर आना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर बच्चों, इस मुश्किल का सामना कर लेना, नहीं तो जीवन भर तुम्हें मुश्किल ही मुश्किल आएगी। क्या क्या मुश्किलें आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप क्लास 11, 12 में जाते हो और किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो या किसी बुक को ढूंढते हो, तो हर अच्छे कोचिंग में इंग्लिश मीडियम की ही पढ़ाई होती है। आजकल हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ही कम हैं। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छी बुक की बात करते हैं, जो जिसको पढ़ के आप अपना कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, तो वो है इंग्लिश मीडियम में। और कई ऐसी जगह है जहां हिंदी मीडियम अवेलेबल ही नहीं है। मैक्सिमम बच्चा इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो आपके लिए हिंदी मीडियम नहीं होता है। आपको अपनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही करना पड़ता है। फिर भी अगर आपने कहा कि नहीं, चलो मैं 11, 12 हिंदी से ही करूँगा, तो बच्चों, जैसे ही आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जाते हो, तब आपको वहाँ पे हिंदी
लैंग्वेज में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम देना होगा। और सोचो सीधे कॉलेज में जा कर के जब तुम इंग्लिश तुम्हारे सामने आएगा तो क्या करोगे, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, तुम सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा, तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाओगे, तुम खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दे पाओगे, तो तुम एकेडमिक में भी अपना परफॉर्मेंस ख़राब करोगे और सोशल में भी तुम अपना रेपुटेशन को बना नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। फ्यूचर में जब आप अच्छे जॉब में जाते हैं, किसी अच्छे पोजीशन पे जाते हैं, या आप कभी विदेश जाने का मौका मिलता है, फॉरेन में अपनी पढ़ाई करने का मौका मिलता है, तो वहाँ भी हिंदी मीडियम नहीं चलता है, वहाँ आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। इंग्लिश मस्ट है और उस बहुत ही अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये सब तो हो गए कि भाई इंग्लिश की क्या क्या एजुकेशन एकेडमिक में क्या क्या समस्याएं आपके सामने आएंगी और उसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए अब हम एक जनरल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हो तब आप जो आज की दुनिया डिजिटल हो गई है, आज की दुनिया गूगल पे आ गई है, आज की दुनिया सोशल साइट्स पे आ गई है, जब भी आप वहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, कुछ आप ढूंढते हैं, तो मैक्सिमम जो टॉपिक्स होते हैं, नॉलेज की जो बातें होती हैं, वो इंग्लिश में होती है। आप गूगल पे कुछ सर्च करके देख लो, हिंदी का ऑप्शन है पर उसमें रिजल्ट सही नहीं होते हैं, बहुत कम कंटेंट होता है और सब कुछ आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। चलो आप नौकरी नहीं करते हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, वहाँ पे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप अपने क्लाइंट से दो लाइन इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हो, हर चीज़ को आप हिंदी से डिस्कस कर रहे हो, हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, तो आप खुद देखना आप अपने बिजनेस में कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, कितना ड्रॉबैक होता है। आप किसी दोस्तों से मिलते हो, नए लोगों से मिलोगे, नए क्लाइंट से मिलोगे और ख़ुद का इंट्रोडक्शन हिंदी में करोगे, तो आजकल इससे लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया है और बड़ा ही अलग तरीके से देखते हैं, तो आपको पोटेंशियल क्लाइंट भी नहीं मिलेगा अगर आपका लैंग्वेज हिंदी मीडियम रहा या आपका लैंग्वेज हिंदी रहा। तो इन सब को देखते हुए आज जो लैंग्वेज है जो इम्पॉर्टेंट हो गया है, जिसकी बहुत ज़रूरत है हमें सोशल लेवल पे ज़रूरत है, हमें एकेडमिक लेवल पे ज़रूरत है, हमें अगर बिजनेस करते तो बिजनेस लेवल पे ज़रूरत है, हर जगह हमें इस लैंग्वेज की ज़रूरत है, ये हमारे लिए एसेंशियल लैंग्वेज हो गया है, इसलिए हमें इंग्लिश मीडियम से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर हिंदी मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास टेंथ के बाद प्लीज़ आप अपने मीडियम इंग्लिश कर लेना, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ आने वाली है, बहुत ही सारी मुश्किलें आने वाली है। अब समस्या आती है कि भाई इस लैंग्वेज को आप क्या सीख सकते हैं या कर सकते हैं। बच्चों शुरुआत में तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है और वो हर किसी के साथ होता है, पर अगर आप कोशिश करोगे, अगर आप सीखना चाहोगे तो 6 महीना 1 साल काफ़ी होता है इस लैंग्वेज पे कमांड करने के लिए। और आजकल तो डिजिटल दुनिया है, यूट्यूब पे गूगल पे इतनी सारे सुविधाएं हैं कि आप इस लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से बेसिक से सिखाया जाता है। और डिजिटल दुनिया होने के कारण आपको ना टीचर की ज़रूरत है, ना क्लासरूम की ज़रूरत, ना किसी के सामने शर्माने की ज़रूरत है, आप वो हर उस लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। सिर्फ आप में वो लगन होनी चाहिए, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो इंग्लिश मीडियम ही लेना और इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई करना। और कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाना। इंग्लिश मीडियम का मतलब हाई फाई स्कूल से नहीं होता है, आजकल सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बुक चलने लगी है, NCERT की बुक ही चल रही है। तो आप कहीं भी पढ़ाएँ,
पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उस बच्चे का मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा एकेडमिक रखा रह जाता है। आपको बहुत नॉलेज होता है, आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर ख़ुद को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आपको लाइफ में वो पोजीशन नहीं मिल पाता है जो आपको मिलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा एकेडमिक करके एक छोटा सा इंटरव्यू में आप गए और वहाँ पे आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, आप खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, आप कंपनी में बात नहीं कर सकते, आप प्राइवेट सेक्टर में जा ही नहीं पाएंगे अगर आपको इस लैंग्वेज पे कमांड नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप इसी लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और किस टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं ये कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।